गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ शिप्रा बुरवा, आई एम फॉर क्लास 4। आज मैं आपको हिंदी का एक लेसन डिस्क्राइब करने जा रही हूँ जिसका नाम है रूप और गुड, लेसन 5। ये कालिदास और राजा विक्रमादित्य की कहानी पर आधारित है। इसको हम पढ़ के आपको रीड करके बताते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ जो मीनिंग्स नहीं आएंगे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। उज्जैन की गद्दी पर राजा विक्रमादित्य विराजमान थे। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और काव्य प्रेम की कहानियाँ बड़े चाव से आज भी हम लोग पढ़ते हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास इन्हीं के राज्यकाल में हुए, और हाँ, वे दोनों मित्र थे। भीषण गर्मी पड़ रही थी और राजा और कवि दोनों राजसभा में बैठे बातचीत कर रहे थे। अन्य सभासद अपने अपने घर जा चुके थे। राजा विक्रमादित्य और कालिदास गर्मी से परेशान थे, बार बार पानी पी रहे थे। दोनों के मुख पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। राजा विक्रमादित्य देखने में बहुत सुंदर थे और हष्टपुष्ट भी थे। राजा थे, सुंदर गौर वर्ण था, लंबी नाक, तेजपूर्ण माथा, और विक्रमादित्य जितने सुंदर थे उतने ही कालिदास कुरूप थे, यानी देखने में सुंदर नहीं थे। पसीने से तर उनका चेहरा और भी कुरूप लग रहा था। विक्रमादित्य ने कालिदास की तरफ देखा और फिर सोचा कि कुछ छेड़छाड़ की जाए। जो मित्र, दोनों मित्र थे इसलिए दोनों में नोकझोंक चलती ही रहती थी। दोनों इसमें आनंद लेते ही, पर अधिकतर जीत कालिदास की होती थी क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। हमेशा की तरह आज भी विक्रमादित्य ने ही पहल की थी। राजा हंसते हुए बोले, महाकवि आज विद्वान और गुणी हैं। आप तो विद्वान और गुणी हैं, महान कवि भी हैं। आपकी कविता जितनी सुंदर है आप उतने ही कुरूप हैं। यदि आपको सुंदर रूप भी मिला होता तो सोने पे सुहागा हो जाता। रूप तो हमेशा ही आकर्षित करता है, पर गुण? महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, आज तो आप राजमहल की शीतल प्रकोष्ठ में चले। ऐसा कहकर कवि कालिदास उठ खड़े हुए। संध्या होने ही वाली, संध्या यानी शाम होने ही वाली थी। कालिदास एक प्रसिद्ध स्वर्णकार के यहाँ जा पहुँचे। स्वर्णकार मतलब जो सोने के गहने बनाता हो या सोने की वस्तुएं बनाता हो। जाते ही बोले कि अपने सभी कारीगर को बुलाओ, रातों रात शुद्ध सोने का एक अति सुंदर सुराही जैसा कोई पात्र तैयार करो, महाराज के लिए चाहिए, मैं प्रातः उसे लेने आऊँगा। दूसरे दिन राज्यसभा सजने से पहले कालिदास राज्यसभा में पहुँचे। मिट्टी की सुराही जिसमें शीतल जल भरा था हटवा दी। उसके सामने एक सोने की सुराही में पेयजल यानी पीने वाला पानी रखा गया। फिर उसे कपड़े से ढक दिया गया। निश्चित समय पर राजाधिराज पधारे। गर्मी का कोई अंत ना था। उनके मुख पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। आते ही पानी मांगा। सेवक ने सोने की सुराही से पानी लेकर महाराज को दिया। पीते ही उनके मुख पर क्रोध झलकने लगा। बोले, सुराही में उबला पानी रखा है क्या? कालिदास तुरंत उठे, सुराही से कपड़ा हटाया। सबकी दृष्टि सुराही पर पड़ी। उसकी चमक दमक और सुंदरता से सभी की आंखें चौंधिया गई। मतलब वो सुराही बहुत सुंदर थी, इसीलिए सब लोग उसको देखते ही रह गए। सभी उसकी सुंदरता के गुण गाने लगे। कोई उसकी गड़न की प्रशंसा करता, तो कोई उसके सोने की, तो कोई उसकी नक्काशी की। नक्काशी मतलब जो उसमें डिज़ाइन बनाई गई थी, उस डिज़ाइन की तारीफ की। राजा को सुराही अत्यंत सुंदर लगी, पर क्रोध अभी उतरा नहीं था। बोले, भला सोने की सुराही में भी पानी रखा जाता है क्या? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? किस मूर्ख ने ये अदला बदली की है? कालिदास उठ खड़े हुए। महाराज, वह मूर्ख तो मैं ही हूँ। आप तो सुंदरता के पुजारी हैं, मिट्टी की सुराही तो बस सूरत सुराही है का भला यहाँ क्या काम? आप तो राजा हैं, आप तो सोने की सुराही में पियेंगे। महाराज हक्के बक्के देखते ही रह गए। वे महाकवि का व्यंग समझ गए थे। व्यंग मतलब उन्होंने कुछ नोकझोंक की थी राजा के साथ। बोले, तुम जीत गए, मैं हार गया। सभी सभासद दोनों का मुंह देख रहे थे, पर वास्तव में क्या बात थी कोई न जान सका। एक दूसरे का सभासद में लोग मुंह इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो सारी बात तो जानते नहीं थे। वो कालिदास और राजा के बीच में ये बातें हुई थी, तो राजा और कवि दोनों मुस्कुरा रहे थे। इस तरह यहाँ पर ये लेसन फिनिश होता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे तो आपको PDF के थ्रू ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू।